नमस्कार। नाद ब्रह्म गुरुकुल के अंतर्गत प्रस्तुत है स्वर की परिभाषा और व्याख्या। श्रुति की दूसरी अवस्था स्वर है। स्वर श्रुतियों से उत्पन्न होते हैं। हमारे संगीत में श्रुति ही सूक्ष्मतम ध्वनि मानी गई है, यानी हमारे संगीत में सूक्ष्मतम ध्वनि जो है सबसे वो श्रुति है। स्वरों के निर्माण में इन सूक्ष्मतम ध्वनियों का अत्यधिक महत्व है। स्वरों में कम से कम 2 श्रुतियां और अधिक से अधिक 4 श्रुतियों का समावेश रहता है। श्रुति स्वयं रंजक नहीं होती। रंजक मतलब आनंददायी। श्रुति जो है स्वयं आनंद प्रदान नहीं करती, लेकिन वह स्वर को रंजक बनाने में यानी आनंददायक बनाने में सहायक होती है। श्रुति अस्थिर और स्वर स्थिर होते हैं। इस प्रकार 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं, क्योंकि श्रुतियां 22 मानी गई हैं और इन्हीं 22 श्रुतियों में से 12 स्वरों की स्थापना होती है। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थित होते हैं। स्वर जो होते हैं सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थित होते हैं। इन स्वरों के नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं को व्यवहारिक दृष्टि से या शॉर्ट फॉर्म में सारे गामा, पाधा और नी कहा जाता है। इन 7 शुद्ध स्वरों में से सा और पा को छोड़कर बाकी 5 स्वर विकृत भी होते हैं। अतः स्वरों की संख्या शुद्ध और विकृत मिलाकर 12 मानी जाती है। 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर। दामोदर कृत संगीत दर्पण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें स्वर के संबंध में निम्न प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। स्वयं यो राजते नादः स स्वरः परिकीर्तितः, अर्थात वह नाद जो स्वयं शोभित हो या मधुर हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा संगीत रत्नाकर में इस प्रकार दी गई है। श्रुत्यनंतर भावो यः ऋणग्धो अनुरणनात्मकः, स्वतो रंजयति श्रोत्रचित्तम् सा स्वर उच्यते। अर्थात श्रुतियों के अनंतर यानी उपरांत होने वाली वह सुश्राव्य तथा मधुर ध्वनि जो अनुरणनात्मक यानी बराबर स्थिर और गूंजने वाली हो, तथा जो स्वतः ही बिना किसी अन्य वस्तु की सहायता से श्रोताओं के चित्त यानी मन का रंजन करे, प्रसन्न करे, उसे स्वर कहते हैं। फिर से स्वर की परिभाषा देख लीजिए। श्रुतियों के उपरांत होने वाली वह सुश्राव्य तथा मधुर ध्वनि जो बराबर स्थिर और गूंजने वाली हो, तथा जो स्वतः ही बिना किसी अन्य वस्तु की सहायता से श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों के प्रकार। स्वरों को विभिन्न रूपों में विभाजित किया जाता है, शुद्ध एवं विकृत स्वर की दृष्टि से, कोमल एवं तीव्र विकृत स्वर की दृष्टि से, और चल तथा अचल स्वर की दृष्टि से स्वरों को विभाजित किया जाता है। तो पहले देखते हैं शुद्ध और विकृत स्वर की दृष्टि से स्वरों का विभाजन। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। ये अपनी निश्चित जगह पर स्थित होते हैं। ये 7 शुद्ध स्वर हैं, सारे गामा, पाधा और नी। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर अथवा चढ़ जाते हैं वे विकृत स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर 5 हैं, रे, गा, मा, धा, नी। कोमल और तीव्र विकृत स्वर। विकृत स्वर में भी 2 प्रकार के विकृत होते हैं, एक कोमल और एक तीव्र। तो जो स्वर अपनी शुद्धावस्था से नीचा होता है अर्थात उतरता है, यानी जो स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे उतरता है उसे कोमल विकृत, और जो स्वर अपने निश्चित स्थान यानी शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है अर्थात चढ़ता है उसे तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। रे, गा, धानी ये 4 कोमल विकृत हैं और मा तीव्र विकृत स्वर कहलाते हैं। चल एवं अचल स्वर। जो स्वर कभी विकृत नहीं होते अचल स्वर कहलाते हैं। अचल मतलब जो चलायमान न हो, जो अपने स्थान से न चले न हटे। तो वे स्वर जो कभी विकृत नहीं होते यानी अपने स्थान से नहीं हटते वे अचल स्वर कहलाते हैं। सा और पा ये 2 स्वर अचल स्वर हैं, यानी सा और पा ये 2 स्वर ऐसे हैं जो अचल होते हैं, अपने स्थान से नहीं हटते। और जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं यानी अपने स्थान से ऊपर या नीचे होते हैं वे चल स्वर कहलाते हैं। चल मतलब चलायमान। रे, गा, मा, धा, नी ये 5 स्वर चल स्वर कहलाते हैं। सारे गामा पाधा नी को अंग्रेजी में सी डी ई एफ जी ए बी और इटालियन भाषा में डो रे मी फा सो ला सी कहते हैं। अब इसका एक रेखा चित्र देख लीजिए। स्वर 7 शुद्ध स्वर सारे गामा पाधा नी, 5 विकृत स्वर रे गा मा धा नी, 2 अचल स्वर सा और पा, 5 चल स्वर रे गा मा धा नी, 4 कोमल विकृत रे गा धानी, 1 तीव्र विकृत मा। ये जो रे गा धानी के नीचे आप जो बार देख रहे हैं, एक लकीर देख रहे हैं, ये भातखंडेश्वरी पद्धति में
कोमल विकृत स्वर का निशान है, यानी रे कोमल स्वर है, गस कोमल स्वर है और था नी ये कोमल स्वर, यानी हमने यदि नीचे एक लकीर लगा दिया है, बार लगा दिया, तो ये कोमल विकृत स्वर कहलाता है। इसी प्रकार तीव्र विकृत स्वर में हम स्वर के ऊपर एक खड़ी लकीर खींच देते हैं, बार दी है माँ के ऊपर, तो ये माँ जो है तीव्र विकृत स्वर का पहचान है, तो ये तीव्र विकृत स्वर है और ये चार कोमल विकृत स्वर। ये जो हम महत्वपूर्ण जानकारी देख रहे हैं, ज्ञानवर्धक जानकारी देख रहे हैं, ये गायन सिद्धांत और स्वर वादन सिद्धांत नामक पुस्तक में दिया गया है। आप इन पुस्तकों का अध्ययन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से ऑनलाइन मंगवाकर कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप इस पर लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।